हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपका SOL का ओपन बुक एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, दो तीन दिनों से आपका जो ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो काम नहीं कर रहा था। और जैसा कि सुबह से आप ट्राई कर रहे थे तो आपका यहाँ पर आपका प्रोग्राम शो नहीं हो रहा था। अब आपका जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो पूरी तरह से काम कर रहा है। तो दोस्तों, अब हम एक एक करके जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने अकाउंट पे लॉगिन करना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा। यहाँ पे आपका एडमिशन टिकट डाउनलोड करने के लिए आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे आप जाएंगे तो नीचे यहाँ पे आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का पोर्टल शो हो रहा होगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले आपको मोड डालना है। यहाँ पे मोड में क्या डालना है आपको, सेमेस्टर या फिर ईयर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एनुअल मोड एग्ज़ाम है तो यहाँ पे आप ईयर डालेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। तो आपका जो भी प्रोग्राम है, तो यहाँ पे BA प्रोग्राम सिलेक्ट किया, जो भी आपका प्रोग्राम है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना नेम डालना है, जो भी आपका नाम है वो आपको यहाँ पे नेम फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन रोल नंबर डालना है। जो आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में दिया गया है वो यहाँ पे आप फिल करेंगे। तो यहाँ पे जब आप अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर डालते हैं, इसके बाद आपको नीचे जाके सबमिट पे क्लिक करना है। जब आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बता रहा है कि आपकी ईमेल आईडी पे सक्सेसफुली OTP सेंड किया जा चुका है। अब यहाँ पे आपको OTP डालना है। दोस्तों, जैसा कि आपके मेल आईडी पे OTP गया होगा, वो OTP आपको यहाँ पे फिल करना है। जब आप OTP फिल करते हैं तो यहाँ पे आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे शो हो रहा होगा आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड क्रिएट होगा, तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड बनाना है। आप कैसा भी पासवर्ड अपना बना सकते हैं जो आपको याद रहे। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर दिया। फिर आपको कंफर्म पासवर्ड करना है, इसके बाद आपको सबमिट करना है। जब आप सबमिट कर देते हैं तो सबमिट करने के बाद आपका जो ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया कि आप कैसे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझना आया हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो करके या कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको केयरफुली अपना रजिस्ट्रेशन करना है, आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। 5 मिनट का काम आपका रजिस्ट्रेशन में, बस आपको ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन करते समय आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। जिसके पास अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी नहीं है, गलत है, खो गया है नंबर, तो आपके पास ऑप्शन आएगा एक आपकी SOL की वेबसाइट पे, आप वहाँ से अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। जल्दी की वेबसाइट पे आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी चेंज करने के लिए एक ऑप्शन जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों, आप वेट करें, ये ऑप्शन भी जल्दी आपके लिए आ जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।